Hello everyone, welcome to Techno Ruhes and let's start with our daily tech news. पहली खबर में आप लोगों को बता रहे थे कि लेनोवो का मोटो E3 हमें जैसे कि पता है कि सितंबर 19 को जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। अब ये भी खबर साथ में आ रही है कि लेनोवो जो वो मोटो E3 पावर भी जो वो साथ में लॉन्च करने वाला है, तो शायद से ये बार लेनोवो जो वो सितंबर 19 को हमें दो फोन्स दे सकता है, एक मोटो E3 और मोटो E3 पावर। अब मोटो E3 पावर की बात करें तो ये फोन जो वो हांगकांग के अंदर जो वो लॉन्च हुआ था 1098 हांगकांग की करेंसी में, लगभग से 9500 रुपीज में इंडियन कन्वर्ट होती है। और इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात तो 5 इंच की HD की डिस्प्ले में हमें देखने को मिलेगी। MediaTek का MT6735 का प्रोसेसर, 2GB की RAM है, 16GB की आपको स्टोरेज है, माइक्रो SD कार्ड लगा के आप एक्सपांड कर सकते हैं। 8 मेगापिक्सल का आपको जो वो रियर फेसिंग कैमरा इसके अंदर देखने को मilta है और बैटरी जो है वो 3500 mAh की आपको मिलती है। बात करते हैं मोटो E3 की, तो बोला जा रहा है उसकी प्राइसिंग लगभग से 7-8000 रुपीज के आसपास होगी और मोटो E3 पावर की प्राइसिंग जो है वो लगभग से 9-10000 रुपीज के बीच में हो सकती है। हालांकि प्राइस वाइज दोनों मुझे लगता है थोड़े से एक्सपेंसिव है कंपेयर टू काफी सारे Xiaomi के और Coolpad के फोन्स, इससे थोड़े कम प्राइस में भी आए हैं और इससे काफी बेटर स्पेसिफिकेशन हमें जो वो देते हैं। तो डील की बात करते हैं और आज मैंने आप लोगों के लिए दो डील लाया हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि Amren का पावर बैंक 13000 mAh वाला स्नैपडील के ऊपर जो वो ऑफर पे जा रहा है और आपको सिर्फ 999 यानी कि 1000 रुपीज के अंदर 13000 mAh का पावर बैंक जो वो मिल सकता है। ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे लगभग कुछ 2000 से ऊपर बता रही थी, तो अगर अच्छी डील, अगर आपको 13000 mAh का पावर बैंक चाहिए तो 1000 रुपीज में आपको मिल सकता है। और दूसरे डील की बात करें तो सोनी का MDR-ZX110 है, यहाँ पे आप जैसे कि इमेजेस में देख सकते काफी प्रीमियम क्वालिटी का हेडफोन्स है और सोनी का है, तो आपको ये स्नैपडील पे डील चल रहा है और 500 रुपीज के आसपास आपको ये मिल सकता है। ओरिजिनल प्राइस लगभग 1400 रुपीज बता रही थी। तो दोनों की डील अगर आपको इंटरेस्ट है तो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जाइए और डील को जो वो यूज कर लीजिए। Coolpad की तरफ से खबर आ रही है और हमें पता है कि रिसेंटली Coolpad ने अपना एक फोन लॉन्च किया था, Coolpad मेगा, और बजट ओरिएंटेड फोन था, डिजाइन काफी प्रीमियम थी और मैंने उसका भी एक रिव्यू भी आप लोगों को दिया था। तो अब बोला जा रहा है कि Coolpad अपना एक नया फोन जो है वो इंडिया के अंदर सितंबर 23rd यानी कि फ्राइडे को लॉन्च करने वाला है और उसका कुछ पोस्टर भी उन्होंने जो अपने फोरम्स के ऊपर रिलीक कर दिया, आप जैसे कि यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है Coolpad बीस्ट, यानी कि Coolpad बीस्ट के नाम से ये फोन शायद से आ सकता है। और काफी इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि इन्होंने कुछ पोल किया था उनके फोरम के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और लोगों से पूछा था कि आप अपकमिंग फोन जो हमारा आने वाला है आपको उसके अंदर कितनी रैम देखने को चाहिए। तो काफी सारे लोगों ने वोट किया, लेकिन सबसे ज्यादा वोट जो आया है वो 4GB रैम को आया है, 56% लोगों ने इसको वोट किया है। तो शायद से Coolpad का जो नया फोन आने वाला है उसके अंदर हमें 4GB की रैम देखने को मिल सकती है। रिमेनिंग स्पेसिफिकेशन अब जो वो फिलहाल के लिए अनकंफर्म्ड है, लेकिन मैंने Coolpad से बात किया हूं, अगर वो फोन मुझे रिव्यू के लिए भेजते हैं तो आपको उसका रिव्यू जो मैं जरूर से जो दे दूंगा। एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, ये गुड न्यूज उन लोगों के लिए जिनके पास जो वो जियो का सिम कार्ड है, जो लोग जियो का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं। तो हमें जैसे कि पता है कि जिनके मोबाइल के अंदर वोल्टी सपोर्टेड नहीं फोन होता है और हम जियो जोन एप्लीकेशन से कॉल करते हैं तो हमारे कॉल्स काफी ड्रॉप हो जाते हैं और लगते नहीं है, काफी प्रॉब्लम आता है, और वोल्टी फोन में भी काफी प्रॉब्लम्स हो रहा है क्योंकि जियो का कॉल्स फ्री है और हम उससे कहीं दूसरे नंबर पर फोन लगाते हैं, यानी कि एयरटेल, वोडाफोन या आइडिया के नंबर्स पर लगाते हैं, तो मोर देन 100 कॉल में से यहाँ पे रिसर्च है 75 कॉल्स जो वो ड्रॉप हो जाते हैं, लगभग से 25 कॉल या 20 कॉल लग पाते हैं। और बोला जा रहा है कि 22 करोड़ यानी कि 22 करोड़ कॉल्स जो एयरटेल के नेटवर्क पे जा रहे थे वो लगभग से फेल्ड हो गए हैं और 52 करोड़ कॉल ऑल ओवर यानी कि आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल के ऊपर मिला के जो वो कॉल्स फ्लॉप्ड हो रहे हैं, यानी कि ड्रॉप हो रहे, किसी को नहीं पहुंच रहे। तो अब यहाँ पे जियो ने कुछ पार्टनरशिप कर दी है और आइडिया और एयरटेल ये पहले लोग दो है कंपेयर टू वोडाफोन, वोडाफोन नहीं किया, दोनों ने कहा कि हम अभी पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन आप लोगों के साथ टाई अप कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हम अगर अपने जियो सिम से कॉल करेंगे यहाँ पे इनके मोबाइल नंबर पर, किसी के पास एयरटेल या आइडिया होता है तो आसानी से कॉल जाएगा, अब कॉल ड्रॉप की हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ, तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मैं जियो से कॉल करता था तो कॉल लगता ही नहीं था, सभी लाइन व्यस्त करके कुछ ना कुछ बोल देता था, तो अब से इन्होंने कुछ पार्टनरशिप किया तो शायद से कमिंग डेज के अंदर हम जब भी कॉल करेंगे अपने जियो के एप्लीकेशन से तो यहां पे हमारे कॉल्स डायरेक्टली लग जाएगी बिना कोई इशू के, तो फ्री में हम आराम से बात कर सकते हैं। एक और अपडेट साथ में आप लोगों को बता दें, जियो जॉइन का एप्लीकेशन भी अपडेट हो चुका है प्ले स्टोर के अंदर जियो 4G कॉल के नाम से, तो अगर आप जाते हैं उसके अंदर तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स भी कर रहे हैं, यूजर इंटरफेस भी चेंज किया और कॉल क्वालिटी को भी वहां पे उन्होंने जो चेंज कर दिया है। अब बात करते हैं आईफोन की, तो हमें जैसे कि पता है कि एप्पल ने अपना एक नया फोन आईफोन 7 जो वो अभी लॉन्च किया था सितंबर 7 को ग्लोबली, और हमें पता है कि ये फोन बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं है, काफी सारे लोगों को पसंद आया है, लेकिन फिर भी इतना कुछ खास नहीं था जैसे कि हम वेट कर रहे थे कि आईफोन 7 हमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आईफोन 8 की, जी हां, आईफोन 8 की खबरें कुछ अंदर से आई है और बोला जा रहा है कि अपकमिंग आईफोन 8 जो आएगा उसके अंदर काफी यानी कि टॉप नॉच फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आईफोन ने ऐसा बोला है कि वो इस बार कुछ नया चेंज लाने वाला है। तो आईफोन 8, तो ये भाई तू आईफोन 7 में क्यों नहीं लाया,
अब आईफोन 8 जो आने वाला है उसके अंदर बोला जा रहा है कि ओलेड डिस्प्ले यूज किया जाएगा, यानी कि जो डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी होगी आईफोन वाली नहीं, वो ओलेड डिस्प्ले होगी, जो कि हाई एंड फोन्स में हमें देखने को मिलता है। और एक शाओमी का एमआई नोट 2 शायद से उसके साथ में आने वाला, और रेडमी प्रो भी हमें उसके अंदर देखने को मिला था। वायरलेस चार्जिंग वाला सिस्टम होगा आईफोन 8 के अंदर। यहाँ पे आप जैसे कि बोला जा रहा है, कुछ इमेजेस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4K कैमरे वाला आईफोन जो आने वाला है, यानी कि उसके अंदर जो कैमरे की क्लैरिटी होगी वहाँ पे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो वो कर सकते हैं। A11 चिपसेट के साथ में आएगा, ऑब्वियसली A10, A11, A12 ऐसे ही आईफोन आगे बढ़ता रहता है। और आईफोन के अंदर बोला जा रहा है 8 के अंदर जो वो होम बटन हमें देखने को नहीं मिलेगा, शायद से ऑन स्क्रीन में ही वो लोग कुछ ऐसा बटन बना देंगे जो हमारा होम स्क्रीन बटन होगा। और साथ में ये बोला जा रहा है कि आईफोन 8 जो आएगा वो डुअल एच डिस्प्ले के साथ में आने वाला है। फाइनली आईफोन ने सोचा है कि अब मैं कुछ डुअल डिस्प्ले या एच डिस्प्ले के साथ में काम करूंगा, तो अपकमिंग आईफोन 8 जो आएगी वो बोला जा रहा है कि एच डिस्प्ले के साथ में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये काफी सारी खबरें जो वो आईफोन की 8 की तरफ से आ रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, हो सकता है कि इस तरीके के फीचर्स हमें नए आईफोन में देखने को मिल सकते हैं। एक अलर्ट, यानी कि आप लोगों को मैं अलर्ट कर देता हूं, वो इसलिए जैसे कि हमें पता है कि एक एप्लीकेशन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने निकाली है, डिजी लॉकर ऐप। आपको पता है कि यहाँ पे हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं और फिर चालान वगैरह के लिए हमें शो करना पड़ता है, तो काफ़ी अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिकली हमें फायदा हो जाता है। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, हम वो एप्लीकेशन मोबाइल में दिखा देते हैं और हमारे डॉक्यूमेंट्स उसमें सेव हो जाते हैं। अब यहाँ पे 5 ऐसे एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में आ गए हैं फ्रॉड एप्लीकेशन, जिसमें क्या होता है कि अगर लोग डिजी लॉकर सर्च करते हैं तो वो फ्रॉड एप्लीकेशन दिखा देते हैं और लोग ट्रिक्ट हो जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो हैकर्स बैठे रहते हैं या कोई लोग ऐसे बैठे रहे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज करेंगे, इससे प्रोटेक्ट आपको कैसे करना मैं आप लोगों को अभी बता रहता हूं। तो प्ले स्टोर में जैसे आप डिजी लॉकर ऐप सर्च करते हैं तो आपके सामने 5 एप्लीकेशंस आते हैं। उसके अंदर अगर आपको सबसे एप्लीकेशन जो डिजी लॉकर का रहता है उसका अगर डेवलपर आपको मेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि यहाँ पे सर्कल मार्क किया है, अगर ये वाला रहेगा डेवलपर तो ही आपको ये एप्लीकेशन पता चल जाएगा कि ये डिजी लॉकर का ऐप है, क्योंकि यही लोग जो है वो उसके डेवलपर है। साथ में अगर एप्लीकेशन के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे 5 लाख से 10 लाख लोगों ने उसको जो वो डाउनलोड किया है और एप्लीकेशन की साइज लगभग से 15 MB है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपको पता चल जाएगा कि यही एप्लीकेशन जो वो ओरिजिनल है, बाकी सारे एप्लीकेशन पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और सावधान रहना है, ऐसे फ्रॉड चीज़ों से बचना है। तो फाइनल टेक न्यूज़ ले लेते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि हमें जैसे कि पता है कि वन प्लस के फोन्स तो आए हैं, वन प्लस के फोन्स काफी धूम मचा है, लेकिन वोल्टेज सपोर्ट के यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। तो जो लोग पुराने वन प्लस के फोन यूज कर रहे हैं, वन प्लस एक्स या वन प्लस 2, तो वहां पे हमें जो वो वन प्लस के अंदर वोल्टेज सपोर्ट जो वो मिसिंग मिलता है। अब एक खबर आ रही है और बोला जा रहा है कि वन प्लस एक नया अपडेट ला रहा है अपने वन प्लस 2 के फोन में। हालांकि वन प्लस 1 और वन प्लस एक्स के बारे में अभी यहाँ पे बात नहीं हुई है, तो वन प्लस 2 का जो फोन आएगा उसमें वोल्टेज सपोर्ट अभी जो वो आने वाला है, जो अपडेट होगा उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो अब शायद से नेक्स्ट मंथ बोला जा रहा है कि ये अपडेट आएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो जो भी फोन वन प्लस 2 यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ये अपडेट आएगा और आप लोगों को वोल्टी सपोर्ट फाइनली जो वो मिल जाएगा। आज की टेक्न्यूज़ जो वो यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की टेक्न्यूज़ जो वो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर से मेरे टेक्न्यूज़ को जो वो लाइक करेगा, क्योंकि आपके लाइक्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। आपके सजेशंस, कमेंट्स जो भी आप मुझे नीचे करते हैं ये सारे मैं रीड करता हूं और कमेंट्स की रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। इसी तरीके से आप प्यार करिए, सपोर्ट करिए। अब हम 24,000 तक पहुंचने वाले हैं, फिर 25 पहुंचेंगे और आगे इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। हर तरह इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा, मेरी तरफ से आप लोगों की सपोर्ट सहायता करता रहूंगा। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट यूं ही आप बना के जो वो रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, और कुछ बताने को था नहीं। कोई रिव्यू यूनिट्स या कुछ भी ऐसा रहेगा तो ऑब्वियसली आपको मेरे चैनल पर जो देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।